अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने की बैठक। सफाई कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें अभी तक सातवें वेतनमान का लाभ नहीं मिला है, ना ही राज्य सरकार द्वारा जो नियमितीकरण के आदेश आया है वह अभी तक लागू नहीं किया गया। वहीं अपनी अन्य मांगें इस बैठक के माध्यम से भी उठाई और कहा कि इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन दिया जाएगा। आज अखिल भारतीय युवजन समाज के संस्था के माध्यम से आज मतलब समस्त कर्मचारी द्वारा एक मीटिंग का आयोजन रखा है, जिसमें हमारी मांग है कि कर्मचारियों को समान वेतन नहीं मिल रहा है। किसी को 4,000, किसी को 5,000, किसी को 6,000, किसी को 7,000, भिन्न भिन्न प्रकार से मतलब वेतन दिया जा रहा है। जो 4,000 वाला कर्मचारी वो भी काम कर रहा है, जो 30,000 वाला कर्मचारी वो भी काम कर रहा है। तो हमारी सबसे पहली मांग है कि हमारे जो भाई बंधु हैं इनकी पेमेंट समान वेतन कलेक्टरेट से की जाए। इस विषय में हमने समस्त कर्मचारियों ने एक मतलब बैठ करके मीटिंग में तय किया है कि हम कल मंत्री जी से मिलने जा रहे हैं और यहाँ उनके पास ज्ञापन देंगे और मांग रखेंगे हम। 5 साल हो गए, किसी भी कर्मचारी को मतलब वर्दी नहीं दी गई है, संसाधन टाइम पे नहीं मिल रहा। हम अध्यक्ष जी से भी मिलेंगे, अध्यक्ष जी से भी हमने मतलब परसों चर्चा की थी, अध्यक्ष जी ने बोला कि मैं आप मतलब तय कर लिए सारी मांगें आपकी मैं मानूंगा। ऐसा नहीं कि मैं कोई मांग नहीं मानूंगा, अभी तक जब मानता आया हूँ तो ये मांग भी कोई मतलब मुझे कोई बड़ी बात नहीं है। जो भी नियम में है मैं सारी मांगें मानूंगा। सातवां वेतन हमारा लक्ष्य का, उसके एरियल के लिए भी हमने मतलब अध्यक्ष जी को कल मांग रखेंगे और ड्रेस के लिए भी मांग रखेंगे और वेतन बढ़ाने के लिए सबकी समान वेतन के लिए अध्यक्ष जी को भी मांग रखेंगे।